तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोटर के केबल कनेक्शन के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं मोटर्स एचवीएसी इंडस्ट्री में, आप जहां भी जाएंगे आपको मोटर्स से बिल्कुल सामना करना पड़ेगा मोटर का, क्योंकि एचयूज में मोटर होते हैं, फैंस में मोटर होते हैं, कोई भी ऐसा आपका इक्विपमेंट नहीं जिसमें मोटर नहीं होता है। क्योंकि जितने भी हमारे मूविंग पार्ट होते हैं वो मोटर से ही ड्राइव होते हैं, इधर वो पंप हो, चिलर हो, एचयूज हो, एक्सियल फैन हो, फैन सेक्शन हो, चारडब्ल्यू, कोई भी इक्विपमेंट हो उसमें मोटर होता है। और ये मोटर इलेक्ट्रिकल ड्रिवन होते हैं, तो इसमें हम इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन, पावर केबल का कनेक्शन करते हैं। वो स्टार्टर स्टार्टर से केबल आती है, तो स्टार्टर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटर के टर्मिनेशन पे, जो मोटर का ये टर्मिनेशन होता है यहाँ पे केबल को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो गाइस जो मोटर का कनेक्शन होता है वो तीन तरीके से होता है। पहला आप देख रहे हैं स्टार कनेक्शन होता है, दूसरा डेल्टा कनेक्शन होता है, और तीसरा स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले जो मैं आपको बता दूं कि जो आपने मोटर देखी होगी, मोटर में दो पार्ट होता है, और जब आप इसका मोटर का टर्मिनेशन बॉक्स खोलते हैं तो आपको इसमें 6 पॉइंट दिखते हैं, 6 टर्मिनेशन पॉइंट दिखते हैं, और आपकी केबल 3 केबल आ रही होती है। जब 3 केबल आपकी आर वाई और बी आ रही होती है 3 केबल, तो आपको ये कैसे कैसे जोड़ना है और कहाँ कहाँ जोड़ना है इसको बता दूं। तो इसको बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये 6 पॉइंट बनते कैसे हैं। तो गाइज ये मोटर का जो है रोटर है, मोटर कैसे काम करता है हम सबको पता है कि मोटर में हम 3 वाइंडिंग बनाते हैं, 3 जो इसका रोटर होता है, सॉरी ये स्टेटर है, इसमें 3 वाइंडिंग होती है, कॉपर की वाइंडिंग होती है, तीन तीन वाइंडिंग होती है, इसको हम ऐसे ऐसे आपको डिनोट भी कर देते हैं, ये पहली वाइंडिंग, ये दूसरी वाइंडिंग और ये तीसरी वाइंडिंग। ये 3 वाइंडिंग इसमें हम बहुत बहुत प्रॉपरली बांध देते हैं, और जब हम इन तीनों वाइंडिंग में करंट प्रोवाइड करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स इसमें जनरेट होता है जो आपके रोटर को मूव कराता है। तो जब 3 वाइंडिंग होती हैं तो 3 वाइंडिंग का दो एक हर एक वाइंडिंग का दो एंड हुआ, हर एक वाइंडिंग का आप देख रहे हैं दो एंड है, तो 2 3 6, तो 6 पॉइंट आकर बनते हैं। ये जो पॉइंट टर्मिनेशन पॉइंट देख रहे हैं आप, ये जो वाइंडिंग अंदर होती है इसी में से दोनों वाइंडिंग निकल के बनते हैं। तो ये कैसे आता है मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, जैसे अब मैं एक पहली वाइंडिंग की बात करूं, ये वाइंडिंग इस तरह से अंदर बन जाती है प्रॉपरली, तो इसका एक एंड ये हो गया जिसको हमने यू बोल दिया, U1, एक एंड ये हो गया इसका जिसको हमने U2 बोल दिया, ये आपका U2 हो गया। इसी तरह से आपकी दो वाइंडिंग और है जो V1 हो जाएगी और V2 हो जाएगी, सॉरी ये आपकी V2 हो जाएगी, और तीसरी जो वाइंडिंग होगी वो W1 और इसी तरह से W2। तो आपको 6 पॉइंट मिल जाते हैं, U1, U2, V1, V2, W1, W2। तो ये तीनों पॉइंट जो होते हैं आपको मैं यहाँ दिखा दूँ, यहाँ पे आते हैं U1, V1, W1 और ये W2, U2, V2, ये इस तरह से होते हैं। तो अभी हमें ये कनेक्शन कैसे करने हैं, आपकी 3 केबल आ रही है तो जब आप इसको स्टार में कैसे करेंगे, डेल्टा में कैसे करेंगे और स्टार डेल्टा में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टार डेल्टा की, स्टार की। स्टार कनेक्शन क्या होता है, एक तरह से आपने जो इसका डिजाइन देखते हैं, डिजाइन से ही हम इसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन। ये देखें स्टार की तरह बन रहा है, ये देखें आप, ये ऐसे डेल्टा का शेप है तो उसने हमने डेल्टा बोल दिया, ये स्टार का शेप है तो हमने इसे स्टार कनेक्शन बोल दिया। तो स्टार कनेक्शन आप देखेंगे क्या होता है, आपकी तीनों वाइंडिंग का एक जो जो पॉइंट होता है वो किसी एक कॉमन पॉइंट पे जुड़ा होता है। तो हम क्या करते हैं, जो 6 पॉइंट होता है U1, V1, W1, W2, U2, V2, इसमें एक आप ये देख रहे हैं ये जो शॉर्ट लिंक होता है, ये देख रहे हैं ये आपको किनारे में हमने दिखा रखा है, ये जो पत्ती होती है इसको हम शॉर्ट लिंक बोलते हैं, ये मोटर में लग के आती है। इसमें से हम क्या करते हैं, जो तीनों पॉइंट होता है इन तीनों को हम शॉर्ट कर देते हैं, इन तीनों में पत्ती लगा देंगे, इन तीनों में पत्ती टाइट कर देंगे, जो आपकी आर वाई बी फेस आ रहा है उसको U1, V1 और W1 में कनेक्ट कर दीजिए। तो ये इस तरह से आपका ये हो गया U1 हो गया, ये आपका V1 हो गया और ये आपका W1 हो गया। तो इस तरह से आपका ये स्टार कनेक्शन बन गया।
और ये वाइंडिंग देखें जो U2 V2 और W2 थी वो एक ही जगह पे जुड़ी हुई है, यहाँ पे ये एक ही जगह पे जुड़ी हुई है क्योंकि ये आपस में शॉर्ट है। तो ये स्टार कनेक्शन का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, डेल्टा कनेक्शन का कहाँ पे यूज करते हैं, अभी मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। तो पहले हम डेल्टा की बात करते हैं। अब डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, आप देखेंगे जो दो वाइंडिंग होती है, U1 U2 एक वाइंडिंग है हमारी, W1 W2 एक वाइंडिंग हमारी। आपको इस शेप से देख के पता चल जाएगा कि डेल्टा कनेक्शन में हर दो वाइंडिंग का जो एंड एक जगह पे जुड़ा होता है। जैसे आप ये यू वाली है और ये अगर डब्लू है तो आप देखेंगे इन दोनों का एक एंड एक जगह पे जुड़ा है, और ये वी और डब्लू का एक एंड आपस एक एक पॉइंट पे जुड़ा है, यू और वी का ये दोनों एंड एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम यू वाइंडिंग और डब्लू वाइंडिंग को शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पे ये शॉर्ट लिंक लगा देंगे। तो क्या होगा, यू और डब्लू का आप देख रहे हैं एक पॉइंट पे जुड़ गया, इसी तरह से वी और डब्लू, ये आपका वी हो गया और ये सॉरी ये वी हो गया, ये डब्लू हो गया, ये देखिए ये जुड़ गया एक एक पॉइंट पे आ गया। इसी तरह से वी और यू वाइंडिंग की हम बात करेंगे, ये वी और यू वाइंडिंग हो गया, इसका जुड़ शॉर्ट लिंक कर दिया, और जो तीन फेस आपके आर वाई भी आ रहे थे उसको चाहे आप ऊपर में जोड़ दें चाहे आप नीचे में जोड़ दो कहीं पे जोड़ दें, तो आपका ये डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा। तो ये स्टार कनेक्शन हम कब बनाते हैं, डेल्टा कनेक्शन मोटर के टर्मिनेशन पे कब करते हैं, जब आपकी मोटर 0.5 किलोवाट से लेकर, जब जब आपकी मोटर होगी 0.5 से 1 किलोवाट, मैक्सिमम आप 1 किलोवाट मान लीजिए, वैसे 1 किलोवाट की मोटर आती नहीं है, वो 0.75 किलोवाट होती है। तो आप 1 किलोवाट की जो मोटर है उसमें आप स्टार कनेक्शन बनाते हैं। स्टार कनेक्शन इसलिए बनाते हैं क्योंकि स्टार कनेक्शन में जो करंट होता है वो कम ड्रॉ करता है, वो √3 टाइम्स कम ड्रॉ करता है, और डेल्टा कनेक्शन में √3 टाइम्स ज्यादा। अगर सपोज कर लिए इसमें 1 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, तो डेल्टा कनेक्शन में जो मोटर होगा वो √3 मतलब 1.7 एम्पियर ड्रॉ करेगा। इसलिए जो छोटी मोटर होती है, छोटी मोटर में हम स्टार कनेक्शन बनाते हैं जिसे एम्पियर कम ड्रॉ करता है, और जो बड़ी मोटर होती है जो आपकी 1 किलोवाट से लेकर 7.5 किलोवाट तक की मोटर होती है उसको हम डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन दोनों हमारे ड्यूल स्टार्टर से चलते हैं। ड्यूल स्टार्टर जो इनके लिए स्टार्टर लगा होता है उसको हम ड्यूल स्टार्टर बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर। तो ड्यूल स्टार्टर से, अब ड्यूल स्टार्टर की इंटरनल वायरिंग पावर वायरिंग कैसे होती है वो हम आपको बताएंगे, काफी वीडियोस आने वाली है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो होप्स आपको इस वीडियो को देखकर मोटर का कनेक्शन समझ में आ गया होगा कि स्टार कनेक्शन क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। थैंक यू गाइस।